वेलकम टू गोल्डन लिटिल व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरी आज की रेसिपी है एक क्विक सॉल्यूशन आपकी मॉर्निंग किचन प्रॉब्लम्स के लिए। आज मैं बनाऊंगी आपके साथ जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 20 to 25 days। तो जो लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा कुकिंग करना पसंद करते हैं या वर्किंग है, उनके लिए ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये तीन तरह की पेस्ट बनाना। सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्रीन चिली पेस्ट। इसके लिए ग्रीन चिली मैंने माइल्ड वाली ली है, आप कैसी भी ले सकते हैं। अगर तीखा पसंद करते हैं तो पतले वाली ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको धो के सुखा लिया है, अब इनके स्टेम्स मैं अलग कर देती हूँ। अब बस इनको रफली चॉप करना है। आप ऐसे ही मिक्सी में ना डालें, फिर अनइवनली आपका ग्राइंड होगा। तो एकदम से आप इसको थोड़ा सा रफली चॉप करके ही ग्राइंडर में डालेंगे तो बेटर रहेगा। ये देखिए सारे चॉप कर लिए हैं। आप एक ग्राइंडर ले लें, उसमें ट्रांसफ़र कर दें ये सारी चिल्लीज। आप मिक्स भी कर सकते हैं, आधी माइल्ड और आधी नॉर्मल वाली। ये ऑयल मैंने लिया है, 2 tablespoon ऑयल मैं ले रही हूँ। कोई भी ऑयल ले ले, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल। शुगर डाल दिया हमने इसमें, अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। शुगर प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और ग्रीन कलर को और ग्रीन कर देता है। ये देखिए अच्छे से पिस गया। बस अब इसको ट्रांसफ़र कर लें ग्लास जार में। ग्लास जार में हमेशा आपकी चीज़ों की शेल्फ लाइफ बेटर होती है, इसलिए पिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स जो भी आप बना रहे हैं उसको आप ग्लास जार में स्टोर करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये रेडी है, अब हम रेडी कर लेते हैं अपनी गार्लिक पेस्ट। ये मैंने गार्लिक लिया है 500 ग्राम, मैंने नॉर्मल गार्लिक को पील कर लिया है। अब हम हाफ हाफ करके इसमें ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये वाला ग्राइंडर मेरा छोटा है। ऑयल डालती हूँ मैं इसमें, शुगर एंड सॉल्ट। बस ये डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। बस अब इसको निकाल लें ग्लास जार में ही। अब मेरा आधा गार्लिक और बचा हुआ है, मैं उसको इसी प्रोसेस से ऑयल, शुगर और सॉल्ट डाल के फिर से ग्राइंड कर लूँगी और इसी जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए फिर से ले लेते हैं बचा हुआ गार्लिक। बस ये सब डाल के आप इसको फिर से एक बार ग्राइंड कर लें। इसमें जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें जार में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल के रखेंगे, 1 tablespoon ऑयल इसमें हम और डाल देते हैं और मिक्स कर लें इसको अच्छे से स्पून के साथ। ये देखिए इस तरह से, बस ये रेडी है, ये हमारे गार्लिक पेस्ट रेडी है। अब हम बना लेते हैं जिंजर पेस्ट। इसके लिए ये जिंजर मैंने पील कर लिया है और धो के अच्छे से सुखा लिया है। 250 ग्राम्स मैंने इसमें जिंजर लिया है, बस इसको भी रफली आप काट लें। वही है कि आप इसको पूरा पूरा ना डालें तो कहीं से पिसेगा कहीं से नहीं पिसेगा, इसलिए थोड़ा रफली चॉप करके डालें हमेशा। बस ये ग्राइंडर में हम इसको डाल देते हैं और सेम जो हमने गार्लिक के लिए किया सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, वही चीज़ें इसमें भी डालेंगे। सॉल्ट, ऑयल, शुगर ये सब डाल देते हैं। बस अब इसको भी ग्राइंड कर लें अच्छे से। ये देखिए रेडी है, अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं ग्लास जार में। ये देखिए तीनों तरह की पेस्ट आपकी रेडी हैं। अब इनको आप 20 to 25 days तक स्टोर कर सकते हैं, बट आपको इनको रेफ्रिजरेटर में रखना है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, बट इट्स बेटर टू कीप इन रेफ्रिजरेटर। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मार्कर से लिख लें, अदरवाइज आपने बनाया है आपको पता ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस इसको आप फ्रीली यूज़ करें जब आपको ज़रूरत हो। तो आपने देखा हमने क्विक एंड इजी तरीके से ये पेस्ट बना के रखे हैं, आप इसको बना के रखिए और अपने किचन के काम को इजी बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।